हेलो भाइयों, आज की वीडियो में आपका भाई आपको बताएगा कि हम किस तरीके से यूज़र से इनपुट लेते हैं, वो भी पाइथन में। तो मुझे लगता है आपको भी समझ नहीं आया होगा मैंने क्या कहा है, तो आपको मैं समझा देता हूँ। तो देखिए, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बना रखी है पाइथन की, तो चलिए उसे रन करते हैं और आपको समझाता हूँ कि क्या होता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर अलग से आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक name.py नाम से एक फ़ाइल दिख रही होगी, तो हम इसे रन करते हैं। तो मैं लिखता हूँ पाइथन और उसके बाद फाइल का नाम, तो name.py। उसके बाद मैं यहाँ पे जैसे एंटर मारूंगा ये फाइल रन हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ। तो देखिए, फाइल रन हो चुकी है। इसके बाद देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे लिखा है एंटर योर नेम और उसके बाद हमारे ये प्रोग्राम रुक गया यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे रुक चुका प्रोग्राम। अब मैं जैसे यहाँ पे लिखूंगा कुछ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आदि, उसके बाद यहाँ पे एंटर मारूंगा, तो देखिए यूर नेम आदि आ चुका। मतलब ये जैसी हमारी फाइल रन हुई, इसने हमसे इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद ये फाइल आगे रन हुई, नहीं तो वहाँ पे रुकी हुई थी, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ वापस रन करके। तो देखिए, एंटर योर नेम पे ये रुक चुकी है फाइल। अब जब तक मैं यहाँ पे वो नहीं दूंगा, क्या बोलते हैं, इनपुट नहीं दूंगा, तब तक ये फाइल रन नहीं हो रही, रन नहीं होगी। मतलब वैसे अगर आप गलत भी दोगे तो भी कुछ नहीं है, इनपुट ही मांग रहा अभी तो ये। तो अगर हमने कुछ और भी लिख दिया, तो देखिए यूर नेम के बाद वो आ चुका है। तो हम देखेंगे किस तरीके से हम इनपुट लेते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो पाइथन फॉर बिगनर्स प्लेलिस्ट की है, तो अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप उसे कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए प्लेलिस्ट दिखा देते हैं सबसे पहले आपको। तो भाइयों, ये रही हमारी प्लेलिस्ट और इसमें अभी 4 वीडियो आ चुकी है, तो आपको इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना है, क्योंकि इसी प्लेलिस्ट में हम पाइथन को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीखेंगे और साथ में हम टूल भी बनाएंगे पाइथन में। तो चलिए अब चलते टर्मक्स के अंदर और थोड़ी कोडिंग करते हैं। तो भाइयों, अब हम टर्मक्स ऐप के अंदर आ चुके हैं, तो चलिए अब जानते हैं कि हम किस तरीके से इनपुट लेते हैं पाइथन में। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो एक फ़ाइल बनानी है पाइथन की, तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नैनो। मैंने आपको वैसे बता रखा किस तरीके से हम फाइल बनाते हैं, तो आपको जल्दी से बना लेनी है। मैं यहाँ पर tut5.py नाम से बना लेता हूँ फाइल, तो मैंने यहाँ पर बना लिया है। इसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से हमें इनपुट लेना है। तो देखिए, पाइथन में इनपुट लेने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम है इनपुट। तो आपको सिंपल से यहाँ पर इनपुट लिखना है और आप किसी से भी मतलब यूज़र से इनपुट ले लोगे। तो जैसे आपको दिखा देता हूँ मैं, इनपुट के बाद आपको ये ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर देने हैं और इतने से ही आप किसी से भी इनपुट ले पाओगे पाइथन में। किस तरीके से आपको दिखाता हूँ मैं। तो अभी हम इसे सेव कर लेते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर जैसे इसे रन करूँगा, तो मैं लिखता हूँ पाइथन tut5.py। तो देखिए, अब हमारे सामने ये प्रोग्राम रन हो गया है और ये रुक चुका है। तो अब मैं जैसे यहाँ पर कुछ भी लिखूँगा, ये मतलब अब देखिए यहाँ पे हमें आ चुका है फाइल से। तो देखिए, इसने हमसे इनपुट ले लिया है। तो अब हम जानते हैं कुछ और बातें इस फंक्शन के बारे में, तो चलिए चलते हैं वापस फाइल के अंदर। तो देखिए, ये तो हो गया हमारा सिंपल से फंक्शन एक इनपुट का, पर इसके अंदर हम यहाँ पे कुछ लिख भी सकते हैं। किस तरीके से, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, जैसे कि आप चाहते हैं कि कुछ प्रिंट हो तब इनपुट ले, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ लिख के यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंटर योर नेम। तो देखिए, मैं ये लिख लेता हूँ, आपको जो लिखना है आप वो लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसे, पर ये डबल कोट के अंदर आएगा, ये सिंगल कोट के अंदर आएगा। आपको जिसके मतलब डबल कोट या सिंगल कोट का यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर ही आप जो भी लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा, पर लिखना आपको इसके अंदर ही है, डबल कोट और सिंगल कोट के अंदर। इसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करते हैं, उसके बाद हम इस फाइल से बाहर आते हैं, फिर हम इस फाइल को रन करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे प्रिंट हो चुका है एंटर योर नेम। उसके बाद हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो इनपुट ले लेगा। तो देखिए, पर यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप किसी से इनपुट क्यों लोगे? आप तभी लोगे जब आप चाहते हो कि उस इनपुट का हम यूज़ कर सकें, हैं? आप उस इनपुट का मतलब आप चाहे तो किसी को मतलब प्रिंट करा सकते हो उसका, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया ऊपर वाली फाइल में, आपने देखा होगा हमने नेम लिया इनपुट में और यूर नेम करके हमने प्रिंट करा दिया कि क्या नाम था। आप ये कर सकते हो या इफ़ एल्स चला सकते हो। इफ़ एल्स के बारे में तो अभी हमने जाना नहीं, कंडीशन के बारे में, पर वो हम आगे चल के जानेंगे। पर अभी आपने प्रिंट फंक्शन जाना है, आपको पता है प्रिंट फंक्शन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं हम किस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं, जो हमने नाम लिया है मतलब इनपुट हमने लिया है यूज़र से, उसे हम किस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको जो हमारा इनपुट है ये फंक्शन, उसको हमें मतलब एक वेरिएबल में सेव करना है, जो भी वो इनपुट में आता है वो किस तरीके से, मैं आपको समझाता हूँ। तो चलिए फाइल के अंदर चलते हैं। तो देखिए, ये हमारा एक इनपुट फंक्शन है जो कि इनपुट लेता है यूज़र से। अब हम चाहते हैं कि जो भी यूज़र इनपुट दे वो एक वेरिएबल में सेव हो जाए और उस वेरिएबल का हम यूज़ कर सके आगे चल के, ठीक है?
तो वेरिएबल मैंने आपको बता रखा क्या होता है, तो अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो देखो भाई, प्लेलिस्ट आपने एक्सेस नहीं की, इसके मतलब आपको करना पड़ेगा। तो चलिए देखते वेरिएबल कैसे बनाना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बना देते हैं वेरिएबल ए लिख के, मतलब आपको जिस भी नाम से वेरिएबल बनाना आप उस वो नाम लिख सकते हो। मुझे ए नाम से बनाना है तो मैं ए नाम से बना लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे इक्वल का साइन पाऊंगा, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, तो आपको अगर नहीं पता है तो आपको प्लेलिस्ट देखनी चाहिए। उसके बाद बस हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। तो देखिए अब जो भी हम इनपुट देंगे वो कहाँ से, वो जगह ए नाम के वेरिएबल में, और उस ए नाम के वेरिएबल को हम प्रिंट करा देंगे। कैसे, मैं लिखता हूँ प्रिंट ब्रैकेट, इसके आगे लिखता हूँ मैं यूर नेम, या आप जो भी चाहें वो लिख सकते हो योर नेम। उसके बाद हम इस कोड को बंद करते हैं, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं, और उसके बाद हम लिखते हैं ए और ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। तो ये काम हमारे यहाँ पे हो चुका। इस तरीके से हम इस ए को प्रिंट करा सकते हैं, मतलब ए में हम जो भी लिखेंगे वो हम प्रिंट करा सकते हैं। और अभी इसका काम ये नहीं खाली कि हम प्रिंट करा सकते हैं, कहीं आप सोचो कि वेरिएबल का काम सिर्फ इतना सा है, वेरिएबल का काम बहुत, मतलब अभी जब हम आगे चलेंगे इस सीरीज़ में तो आपको पता चलेगा कि एक वेरिएबल से हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको ज़्यादा वो नहीं लेना, सीरियस नहीं लेना, बस आपको इनपुट बताना है, इनपुट आपको पता चल गया होगा। तो अब हम इसे करते हैं बंद फाइल को और रन करते हैं फाइल को, और फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ नाना जी लिख लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर एंटर मारूँगा तो देखिए यूर नेम नाना जी। तो इस तरीके से हम इनपुट लेते हैं पाइथन में, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया इनपुट हम किस तरीके से लेते हैं, अब हम आगे चल के बहुत कुछ देखेंगे पाइथन में, हमें तो टूल भी बनाने हैं अभी, तो आपको इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करनी है। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, या आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, टाटा। और साथ में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं अब इसके बाद मेरी एक टर्मक्स के ऊपर एक वीडियो आएगी, जिसमें मैं टर्मक्स आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखाऊंगा, बिगनर्स लेवल का। ये एक घंटे से ऊपर की हो सकती है वीडियो, तो आप मुझे बता देना कि क्या आपको ये वीडियो चाहिए या नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।